बिहार में बाढ़ के हालात ऐसे हैं कि लोगों को शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए सूखी जमीन नहीं मिल रही है। ऐसा ही एक मामला दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान प्रखंड में सामने आया है। यहाँ बाढ़ से घिरे महिसौद गांव के शमशान घाट सहित आसपास के सभी गांवों के शमशान घाट इन दिनों बाढ़ के पानी में जलमग्न हैं। जल प्रलय के इस काल में 90 वर्षीय बुजुर्ग को मृत्यु होने पर गांव की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। जानकारी के अनुसार उक्त गांव के शिवानी यादव का निधन गत 19 जुलाई को देर रात हृदय गति रुक जाने से हो गया। उनके निधन के बाद से ही परिजनों को उनके अंतिम संस्कार करने की चिंता सताने लगी, क्योंकि गांव के शमशान घाट सहित आसपास के सभी गांवों के शमशान घाट इन दिनों बाढ़ के पानी में जलमग्न हैं। इतना ही नहीं, महिसोट सहित आसपास के गांवों की सभी सड़कें भी बाढ़ के पानी में डूबी हुई हैं। मृतक के परिजनों ने अंतिम संस्कार कैसे हो इसी विषय पर मंथन करते करते रात गुजार दी। अंत में कुछ लोगों ने बाढ़ के पानी में बांस का मचान बनाकर उसके ऊपर मिट्टी की कोठी रखकर उसमें शव को रखकर लकड़ी से जलाने का सुझाव दिया। इसे सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया और इसकी तैयारी में जुट गए। आनन फानन में लोगों ने नाव के सहारे शमशान घाट पर बांस का मचान बनाकर उस पर मिट्टी की कोठी रख दी। फिर नाव के सहारे शव के साथ अंतिम यात्रा शुरू हुई। शव को शमशान घाट लाकर पूरे वैदिक रीति रिवाज के अनुसार शव की कोठी में बैठा कर लकड़ी के जलावन में कोठी को भर दिया। तत्पश्चात मृतक के पुत्र राम प्रताप यादव ने मुखाग्नि की रस्म पूरी की। इसके साथ ही शव पंचतत्व में विलीन हो गया। इस संबंध में इलाके के प्रसिद्ध पंडित शिवाकांत ठाकुर ने बताया कि हिंदू धर्म में शव को जलाने की प्रथा को सर्वोत्तम माना गया है। हर साल आवे छे, 3 महीना 4 महीना रहे छे, बहुत तकलीफ है छे। और कल हमर दादाजी डेड कलखिन, ओकरा जलवई के लिए बहुत तरह के दिक्कत होले। हम लोग 8 गो बांस के खम्हा पानी के अंदर गाड़ करके और ओई के ऊपर कोठी रख के अपना दादाजी के अंतिम संस्कार अच्छी तरह से के लिए, और नाव के सहारा हम लोग घर से चल के शमशान तक पहुंच करके बहुत बढ़िया से अंतिम संस्कार को ले लिए। दादाजी का उम्र 90 वर्ष प्लस था और उनका तबीयत सही नहीं रहते थे। अंतोगत्वा उनका निधन हो गए। यहाँ समस्या खड़ा हुआ अंतिम संस्कार का। यह बाढ़ का मुल्क है, यहाँ पूरा पानी ही पानी है, कहीं सूखापन नहीं है, कहीं रोड सड़क भी सूखा नहीं है। हम लोग नाव के सहारे शमशान पहुँचे और बांस के चचरी पे ग्रामीण के सहयोग से कोठी में डाल के उन्हें अंतिम संस्कार किए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।